इंडोनेशिया में एक विशाल पर्वत है जिसका नाम है ब्रोमो पर्वत, जिसे स्थानीय भाषा में माउंट ब्रोमो भी कहा जाता है। ये पर्वत ज्वालामुखी के विस्फोट से बना है। ये पर्वत 141 ज्वालामुखी का केंद्र है, जिसमें से आज भी 130 ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय की स्थिति में है। इस पर्वत की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर एक मूर्ति रखी हुई है। ये मूर्ति हिंदुओं के सबसे पूजनीय देवता भगवान गणेश जी की है। भगवान गणेश की मूर्ति यहाँ से कब से रखी है, इसे यहाँ पर लेकर कौन आया, और आखिर इतने ऊंचे वाले ज्वालामुखी के पर्वत पर भगवान गणेश जी की मूर्ति को रखने का क्या उद्देश्य था, इन सभी सवालों के जवाब आज भी विज्ञान जगत के सोच और समझ से परे है। लेकिन फिर भी हम इन रहस्यों को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इंडोनेशिया, जो कि मुस्लिम बहुतायत देश है, ये देश अपने विशाल ज्वालामुखी के पर्वतों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इन्हीं ज्वालामुखी के पर्वतों में से एक पर्वत का नाम है ब्रोमो पर्वत। ये पर्वत इसलिए खास है क्योंकि यहाँ भगवान गणेश जी की एक मूर्ति रखी हुई है। इस मूर्ति की खास बात यह है कि ये ज्वालामुखी के चट्टानों से बनी है। इस पर्वत के आसपास लोग जो रहते हैं वे भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। दरअसल इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, परंतु किसी समय ये एक हिंदू राष्ट्र था और भारतवर्ष का ही अंग था। लेकिन समय के साथ साथ यह मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण और अत्याचार इतने ज़्यादा बढ़ गए कि हिंदू नाम मात्र रह गए और पूरा देश मुस्लिम शासकों के अधीन हो गया। किंतु यहाँ के लोग और शासकों ने समय के साथ साथ लचीलापन अपनाया और हिंदू धर्म को पूरी तरह से नहीं त्यागा। इसी कारण से मुस्लिम बहुल होने के कारण भी हिंदू देवी देवताओं को यहाँ पर मुख्य रूप से स्थान दिया गया है। इस देश के सबसे बड़े नोट पर गणेश जी का चित्र भी अंकित है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भगवान गणेश जी यहाँ पर कितने पूजनीय है। ब्रोमो पर्वत पर भगवान गणेश जी की मूर्ति करीबन 2329 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसी ज्वाला के लावा से बनी है। कहते हैं कि इस मूर्ति की स्थापना आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व की गई थी, लेकिन ये भी सिर्फ एक अनुमान ही है। इस पर्वत के आसपास करीबन 48 गाँव में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जिसकी संख्या करीबन 3 लाख है। इन लोगों को यहाँ की स्थानीय भाषा में टेंगरेस कहते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर इतनी ऊंचाई पर भगवान गणेश जी की ये मूर्ति आखिर किसने रखी और क्यों? कहते हैं कि हजारों वर्ष पहले यहाँ जो लोग रहने आए थे, उस वक्त यहाँ पर ज्वालामुखी का प्रकोप इतना था कि लोगों को यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया था। यहाँ पर कई लोग ज्वालामुखी के विस्फोट से मर जाते थे। तब भगवान गणेश को मानने वाले लोगों ने इस पहाड़ की चोटी पर भगवान गणेश की लावा से मूर्ति बनाकर स्थापित कर दी। तब से आज तक वे सभी लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं और आराम से रहते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि भगवान गणेश जी उनकी इसे भीषण ज्वालामुखी से रक्षा करते हैं। अब इस पर्वत का नाम ब्रोमो पर्वत कैसे पड़ा, ये भी बहुत दिलचस्प है। दरअसल यहाँ की जैवनीज भाषा में भगवान ब्रह्मा को ब्रोमो के नाम से जाना जाता है, तभी से इस पर्वत का नाम ब्रोमो पर्वत पड़ गया। जब आप इस पहाड़ी की चढ़ाई करेंगे तो आपको शुरुआत में सदियों पुराना विशाल ब्रह्मा जी का मंदिर देखने को मिलेगा। ये मंदिर करीबन 9वीं शताब्दी का है, जो अपनी भव्यता के लिए लोगों के बीच प्रसिद्ध है। ये मंदिर संपूर्ण रूप से काले पत्थरों की सहायता से बनाया गया है। दोस्तों, हमारे सनातन में 33 कोटि देवी देवता पूजनीय है, और एक समय पूरे विश्व पर सनातन फैला हुआ था, और 33 कोटि देवी देवताओं में से किसी न किसी को लोग मानते ही थे। ऐसे में आज भी पूरे विश्व में घूमकर आप देख लीजिए तो आपको सनातन की सुगंध महसूस होगी ही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक जरूर कीजिएगा, वहाँ पर आप भगवान गणेश जी के इस अद्भुत मंदिर तक कैसे पहुँचे और यहाँ पर क्या देखें, इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।